Betty, Sonia? Sonia? हाँ माँ फोन रख दो अभी खाना खाने दे आ जाओ जी माँ सोनिया भी बड़ा हो गया शादी भी करवाना है काम भी नहीं जानते क्या करेगा उसका पापा को आने दे रुको सोनिया हाँ ने बेटी तुम अभी पढ़ाई में ठीक है स्पोर्ट्स में ठीक है सब कुछ में ठीक है तुम अभी किचन काम नहीं सकते इसको थोड़ा सीखो हाँ ने अभी से आपका साथ हम हाथ बटाएगा ठीक है साथ में अभी तुम बड़ा भी हो रहे ऊपर से अभी काम शाम सीखना है काम नहीं सकने से बाद में शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम होगा अभी से सीखना है सब कुछ ठीक है ने ये मम्मी का पहले निकल गया निकल दे दो ना हम भी निकले ना निकलो पहले निकल के दिखो अभी दिखो नहीं आप चलूंगे नहीं चलूंगा ये मतलब है ये मेरा पति कोई भी नहीं बहुत बोरिंग है आप हार गया चलो हम जीतेगा हम चिप्सी पिला रहे हैं अच्छे हैं आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं नहीं मानेगा रे ओके भगाओ ना बस चालू करते हैं आप पापा हमें से हर एक गेम में चालू करते हैं आज तो आपको मारा गया हां बेटी का वाल सोनिया ने अरे सोनिया वो ये सोनिया का शादी कराना है उसने एक लड़का मांगने आया था तो क्या सोचते हैं आप लड़का अच्छा है वो थोड़ा बैंक में भी काम करते हैं सोनिया के लिए अच्छा होगा बाद में क्या सोचते हैं आप वो लड़का का नाम क्या है और कहाँ रहता है वो मेरा बेटी तो लौटी बेटी है और हम इसको हम अच्छा लड़का ढूंढेगा सोच रहा है और काम करने भी नहीं आता है लड़का टिकी है फैमिली भी अच्छा है बाद में सोनिया के लिए तो और भी अच्छा है चिंता मत करो उसको ये सोच लो आप हाँ करना है कि नहीं ना का माँ बाप को यहाँ एक बार आने दो तो लड़का को हम अभी फोन करेगा फोन करके आप एक बार देख लो बात करके देख लो हेलो जेकब है ना जी जेकब तुम कल ऐसे करो कि उस दिन सोनिया के लिए बात किया था ना तो सोनिया अभी शादी के राजी हो गया तो तुम आ जाओ कल सोनिया का पापा से मिलो ना कल आपका मम्मी पापा को भी साथ में लेके आओ हाँ ठीक है सोनिया मान गया ना तो हम कल अपना परिवार को लेके आ रहे हैं आपका घर ठीक है होगा होगा जी आप घर में मतलब खाना सब्जी पकाने नहीं आता है हाँ कभी पकाया नहीं है ना मेरा अन्नी पर पकाते है ना इसलिए ना हम मेरा घर में आया था अब मेरा बेटी जैसे ही है ना तो मेरा बेटा का वो इतना मतलब सिखा देगा आप सब कुछ ना आप ट्राई करो सीखने के लिए ठीक है ऐसे ऐसे हिला वो करना है आप कभी घर में काम नहीं करे क्या नहीं कभी करके नहीं दे गई फर्स्ट टाइम है ठीक है तो आप अच्छे से कर लीजिए होगा अबो हम ऑफिस निकालेगा क अबो यंग ने क अलग आए क यंग करता क होगा शाम को मिलेगा क अबो ना अचिंग दोवा से रे दोवा से क
ये लो। ये क्या? तुम कल कॉफी बनाते ही क्या? लो ना मेरे लिए क्या? कॉफी खत्म हो गया इसलिए लाल चाय लेके आ गए। कॉफी नहीं है तो हम अभी क्या कर सकेगा? कॉफी खत्म हो गया तो आगे बताना है ना। हेदाय नोना सी ओगो भी ना सी चाय पत्ती आ जा तुम चली पे कम तब मोतरम दन पिंजा ना नम जा बेटी ये पानी गरम करो। पानी किसे गरम करना है? और कुछ है ना? कुछ नहीं, बर्तन सर्तन अच्छा से देख के धुला के रखो। ठीक है ना। आगे पानी भी भूख लिया और बर्तन धो के मिला भी दिया। और कुछ काम है आपका? और कुछ नहीं, आप कर नहीं सक रहे, बाचा बात है, थोड़ा थोड़ा सीख लो ना। ठीक है आने दीदी। आपको फूलों का मचा था तो लो दे लो लो आप भी को रख पने ना। ओह कने वाह नहीं का संसार के अंसार को बकु चेक मो ओह कनो आने आप बोले इनको तसंग को जी लो इनको लो 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 दे बोलो अरे अब वो स्कूल टच हो रहा है, इसका फैमिली को बात करने जाना है ना। ऐसे तो ऐसे अभी क्या करेंगे? वो तो मोबाइल वो ये तक तो जो वैसे तसन को नहीं दिल में हम लोग अलाव पारा तो जो आई और कौन वो आरो ये क्लब अब वो अन्य बिंता आई कितनी है अब वो तो आपका बीबी जो मतलब अभी तो अच्छे से खाना समय पकाने सके ना तो अभी मतलब आप सब्जी पकाए है तो आज पहली बार बनाया है ना तो आपका सब्जी को ये लोगों ला दो सब्जी को आप पहली बार बनाया है ना। बेटी आपका सब्जी बहुत बढ़िया है, हमको पसंद लगा। ऐसे हमको खिलाते रहो। ठीक है अब आपका बीबी का बनाने लगा के देखिएगा। थैंक यू। वेलकम। तो आपका माँ बहुत खुश होगा, आप काम करने जान गया, आलू बनाने जान गया। हाँ हम भी बहुत एक्साइटेड है मम्मी को बताने के लिए, हम बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ में आके। ये सब सिखाने वाला तो आने ही सिखाए है इसको। ला, ला। अबू आने, हम ऑफिस जा रहे हैं। सोनिया तुम बताएगा ना। हम तो बहुत खुश है। हम भी बहुत खुश है। अबो आज हम आपको बहुत खुश खबर सुनाने जा रहे हैं। बहू सोनिया का पेट में बच्चा है। खुशी जा हम पर पार्टी लो। आपका मम्मी पापा को भी बुलाओ, आज पार्टी हो जाए। हम बुलाएगा अपना नाम काम कर रहा था क्या बात है? तो आपका बहू का पेट में बच्चा हो गया बोला। सच क्या सोनिया? हाँ अच्छा बात है ना, तो आज पार्टी हो जाए शाम को। सोनिया ठीक है तो हम आज तैयारी करेगा और आपका सोनिया आपका आने वो काम कॉल करके बता देगा, हम तैयारी करेगा अभी। ठीक है हेलो। हाँ वो जुकब का वो मामी कॉल कर रहा था ना, तो वो ऐसे बता रहा था ना सोनिया का प्रेग्नेंट हो गया बोल रहा है, तो हम लोग को कल आओ बोल रहा है। अरे तब तो बहुत खुशी है, मेरा बेटी प्रेग्नेंट हो गया ना, तब तो हम लोग कल जैसे भी मिलने जाएगा ना। हाँ ठीक है मिले। अच्छा कब हुआ? नहीं अभी जस्ट स्कूल के है ना। ठीक है तो क्या करेगा? अरे कल जाके दिखिएगा। हाँ ठीक है।
कुछ खाने के लिए नहीं आने हो जाएगा आगे खाए तो आपका पानी वानी जो जूस चाहिए तो बोल दो नहीं आने हो जाएगा हम आगे पिए ये लो पानी थैंक यू आने ये आने तो आपको एप्पल चाहिए एप्पल तो बहुत देर भी नहीं खाए बस खाने मन मगर ठीक है हम ला देगा ना एप्पल और कुछ बीमार बीमार हो रहे थे बताओ हमको हम दोनों का बहू जब प्रेगनेंट हो गया ना तो हम दोनों को आगे जाके देखना पड़ेगा ना तो आपको पता है कि उसका मतलब लड़की है ना लड़का है पता नहीं जब कब पूछ लो अरे जी कब आ गया क्या कहता हूँ कुछ का आपको कुछ पूछना है जेकब आपका सोनिया का पेट में क्या लड़की है ना लड़का है बच्चा का हाँ मैं लड़की है क्या लड़की है लड़की है हमको नहीं चाहिए दे दो लड़की बच्चा फर्स्ट में नहीं चाहिए लड़का चाहिए आपको आप भी सुन लो हमको लड़का बच्चा ही चाहिए तो ये गम है हमको लड़की बच्चा दे क्यों ऐसी बात करते हैं तेरा सामने तो अभी ऐसे क्यों बोल रहा है लड़की बच्चा हुआ है तो क्या हुआ लड़का हो या लड़की खुशी से रखना चाहिए हम लोग को तेरा आने के बाद में समझा देगा ये तो गलत चल रहा है हाँ वो हमको लड़की बच्चा नहीं चाहिए इसलिए आपका बच्चा है ना उसको घर अपना घर लेके चला जाओ मेरा घर ना पा मत रखो जाओ ले जाओ चाहिए मेरा क्या गलती है जकब
माना कि हम रिश्तेदार है लेकिन ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये इजाजत नहीं देते हमको, साथ में यही बहुत रिस्क है। आइकन हम लोग मेरा पेरेंट्स जो नहीं मान रहा है ना लड़की बच्चा बोल के ना, तो उसको ऑपरेशन करवाना है बोल के ना, इंसाफ को पेशेंट है बोल के आया ना। लड़की बच्चा में क्या कमी है आजकल, लड़की की बच्चा काफी आगे बढ़ गया, फोर्स में भी है आगे है, क्या कमी है लड़की में कर सकता है, आजकल लड़की बच्चा का ही वैल्यू है आगे बढ़ता है। तो ऐसे बात करेगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है, क्या वैल्यू हो जाएगा, तुम दोनों का परिवार को लो हम बात करेंगे उसका। अरे सोनिया आप तो लड़की है आप तो समझ जाना चाहिए, ऐसे किसे कर सकता है, आप दोनों का फैमिली को बोला हम बात करेंगे उसको। सर ऐसे बात नहीं है, हम भी अपना बच्चा नहीं खोना चाहिए, हम भी एक लड़की है, जेकब का माँ नहीं मान रहे कि मैं फर्स्ट बच्चा जो घर में लड़का लड़की आए ना, तो वो बोलते कि लड़का आए, तो दुख तो हमको भी है लेकिन बहुत फोर्स कर रहे तो ना चाहते हुए भी हमको करना ही पड़ रहा। सर कर दीजिए ना प्लीज, अभी कोई चारा नहीं कोई उपाय नहीं है। सर आप प्लीज समझिए ना, हम मेरा फैमिली जो नहीं मान रहा है ना लड़की बच्चे बोल के ना, तो आप समझते हैं ना थोड़ा मीन्स। यार तुम दोनों तो ऐसे सिचुएशन में डाल दिया, अभी हम क्या करेंगे, ठीक है तो हमसे जो हो सके हम करेंगे, तो पिछली बार का आपका ये रिपोर्ट दिखा है, आपका रिपोर्ट दिखा, आपका बच्चा तो बड़ा हो गया 3 महीना ज्यादा हो गया, और ठीक से आप दोनों एक बार अच्छा से सोच के बताइए, आपका भी जान जा सकता है, इतना फोर्स कर रहा था एक बार अच्छा से सोच के देखना, आप दोनों की तरफ से एग्री है। सर हम दोनों की तरफ से तो हाँ है, क्या परिवार जो नहीं मान रहा है ना, फाइनल कर दीजिए अभी क्या करेंगे, फाइनल नहीं मान रहा ठीक है तो हम आप दोनों कर देते हैं, वैसे भी माइनर है इसको हम नहीं करते एलो नहीं है, तो आप दोनों बड़ा हो गया तो समझदार है ठीक है, अगर इतना ही बोल रहा है तो ये फॉर्मल एग्रीमेंट में आपको साइन करना पड़ेगा, इसमें आप दोनों का ही सिग्नेचर से आप इधर करते हैं। सर हम क्या करें, हमको भी बहुत दुख है कि अपना बच्चा को जो फर्स्ट बच्चा का हमको भी देखना चाहता है, लेकिन जेकब करना मान नहीं चाहता है कि उसका घर में लड़की हो ना, तो वो सोचता है कि फर्स्ट लड़का बच्चा हो, सर अभी क्या करेगा, हमको इतना तकलीफ दे रहे हैं तो उसका खाना सब करना ही पड़ रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं। होगा जेकब अभी आप बेहतर हो, हम सोनिया को ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे, इसमें कुछ समय लगता है। ठीक है सर होगा जेकब, तो अभी सोनिया का रिपोर्ट आ गया तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, इसलिए आप दोनों का ये डॉक्यूमेंट साइन करने लिया था, पहले ही हमें पता था इसमें बहुत रिक्स है, तो आप लोग समझाए भी थे दिया पर नहीं सका, क्या सॉरी जेकब क्या कर दिया।
सुन के ना। सुनिया क्यों उधर बजा? ऐसे मत बोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, आने आने को दुख। नमस्कार, मैं तयू तेची। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़की बच्चा को रिजेक्ट इंसल्ट आपको कुछ नहीं करना है। रखो सब कुछ जो आपको मिलता है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आज का इस जमाना में, ये 21st century पे आपका पास अगर लड़की बच्चा है तो आप बहुत लकी है। ये ज़माना में लड़की बच्चा बहुत कीमती है। वैसे भी इस ज़माना में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़की भी बहुत आगे बढ़ चुका है और काफ़ी समझदार है। सो आप लोग को लड़की बच्चा को इनकार ऐसे कुछ नहीं करना है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।